नमस्ते एवरीवन, दिस इज मंदीप फ्रॉम ट्रूबी कार्स। इस वीडियो में हम बात करते हैं टॉप थ्री ड्राइविंग टिप्स व्हेन यू स्टार्ट योर ड्राइविंग टेस्ट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अभी आप अपना टेस्ट जो है, आपका रोड टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट है, तो आप उसको स्टार्ट कर रहे हो। आप पार्किंग लॉट के अंदर ही हो, अभी आप रोड के ऊपर नहीं गए हो, ठीक है। आप पार्किंग लॉट के अंदर ही हो, एग्जामिनर आपके साथ आगे बैठ के है। देखिए, ये एग्जाम्पल को हम लेते हैं, एग्जामिनर साथ में, एग्जामिनर साहब बैठ के है आपके पास, आपने सीट बेल्ट वगैरह डाल लिया है। तो अभी एग्जामिनर बोल रहा है कि चलो लेट्स गो, ठीक है। तो आप तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉप की वो तीन गलतियां कौन कौन सी करते हैं जिनसे उनका जो ड्राइविंग टेस्ट है, रोड टेस्ट है, वो पार्किंग लॉट के अंदर ही फेल हो जाता है, ठीक है। तो हम मिस्टेक्स को वो मेंशन करेंगे और मैं आपको ड्राइविंग टिप्स दूंगा तो आप उस मिस्टेक्स को कैसे करेक्ट कर सकते हो। तो इससे ये होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, आप रोड टेस्ट के लिए जाओगे तो एटलीस्ट आपका जो रोड टेस्ट में, देखिए ऐसा होता है कि जो पहले 2-4 मिनट होते हैं ना, उसमें स्टूडेंट बड़ा नर्वस रहता है, तो उसमें आप बड़ा नर्वस रहते हो क्योंकि वो टेस्ट का प्रेशर रहता है। लेकिन बाद में क्या होता है, आपके मान लो 5 मिनट आपके निकल गए तो बाद में आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो, आपकी ड्राइविंग जो स्किल है, जो आपकी ड्राइविंग इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें यहीं पे ऐसा करना है, तो यहाँ पे हमें सेम चीज़ करनी है। तो हमें ये मिस्टेक्स जो है नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ऐसी मिस्टेक्स करोगे तो आपका रोड टेस्ट है वो पार्किंग लॉट के अंदर ही फेल हो जाएगा, तो हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं मिस्टेक्स नंबर वन। तो जब भी आप गाड़ी को रिवर्स करते हो तो मेक श्योर करो कि आप उसका ब्लाइंड स्पॉट चेक करो। तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्टूडेंट है वो मिरर्स चेक कर रहा है, पहले लेफ्ट मिरर चेक कर लिया, रियर व्यू में चेक कर लिया, ठीक है, और रिवर्स में गाड़ी डाल दी, अभी बैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। गाड़ी को देखिए, यहाँ पे दो मिस्टेक्स हुई इसकी, ठीक है ना। गाड़ी को एक तो विदाउट शोल्डर चेक, ठीक है ना, ब्लाइंड स्पॉट चेक नहीं किए, गाड़ी को ऐसे रिवर्स कर दिया। दूसरी मिस्टेक थी, गाड़ी को बहुत ही फास्ट रिवर्स किया, उसकी स्पीड देखिए, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से गाड़ी को रिवर्स कर दिया, यहाँ से गाड़ी आ रही थी और यहीं पे ऑटोमेटिक फेल लग गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अनसेफ एक्शन हो जाता है, डेंजरस एक्शन हो जाता है, तो ऑटोमेटिक फेल लग जाएगा। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप देखिए गाड़ी को आपने रिवर्स में डाल दिया, मिरर्स चेक कर लिए, बिल्कुल बढ़िया, शोल्डर चेक जरूर कीजिए, ऐसे स्टेयरिंग पकड़ा हुआ है, ठीक है, 9 and 3 o'clock हैंड पोजिशन, शोल्डर चेक बोथ साइड्स पे आप शोल्डर चेक कीजिए और गाड़ी को बिल्कुल धीरे धीरे रिवर्स कीजिए। ज़्यादा आपने फास्ट स्पीड पे गाड़ी को रिवर्स नहीं करना। जब भी आप गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो हम सजेस्ट करते हैं जो आपकी स्पीड होनी चाहिए अराउंड 5 kilometers, दैट्स गुड इनफ, ठीक है। तो वहाँ से, क्योंकि उससे आपको टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा, आप रिवर्स कर रहे हो, आप अच्छे ढंग से पीछे देख के, दोनों साइड पे देख के उसको बढ़िया ढंग से रिवर्स कर सकते हो। तो ये हमारा, ठीक है, ड्राइविंग टिप नंबर वन। तो अभी इसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, थोड़ा कई बार ऐसा होता है कि पार्किंग लॉट्स वगैरह थोड़े बिजी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अभी ये स्टूडेंट ने सेम मिस्टेक की है, तो यहाँ पे ये गाड़ी को बैक करेगा, लेकिन पेडेस्ट्रियन देखिए, पेडेस्ट्रियन यहाँ पे अगर आप ब्लाइंड स्पॉट नहीं कर रहे हो ना, तो पेडेस्ट्रियन आपके बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट में है, तो हो सकता है वो पेडेस्ट्रियन आपको ना दिखे, तो इसलिए आपने ब्लाइंड स्पॉट, इसको मैंडेटोरी है कि आपने ब्लाइंड स्पॉट जो है आपने चेक करने ही है, तभी आप गाड़ी को पीछे करोगे। तो ये था हमारा टिप नंबर वन। तो अभी चलते हैं हम टिप नंबर टू के ऊपर। तो अब बात करते हैं टिप नंबर टू। तो आप देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, वो बोलते हैं मैं तो गाड़ी बैक ही नहीं करूंगा, रोड टेस्ट में ये पहली चीज है, मैं गाड़ी ऐसे लगा दूंगा, तो इससे ये होगा कि गाड़ी का जो फ्रंट है वो फॉरवर्ड के ऊपर है, तो ऐसे ही मैं निकाल के उसको ले जाऊंगा, बैक करने का कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। आप ऐसा कर रहे हो, बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन उसमें भी कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है नर्वसनेस के कारण, ठीक है। देखिए, तो उसमें आपने गाड़ी तो ऐसे लगा ली है, बहुत बढ़िया, लेकिन मेक श्योर ये करो, जब आप गियर चेंज कर रहे हो तो गियर आप ड्राइव में डालो, रिवर्स में मत डालो, तो ऐसा ना हो कि गाड़ी, आप जो पीछे गाड़ी लगी है उसके बीच में जाके आपकी गाड़ी लग जाए। तो ये भी देखिए, काफ़ी टाइम ऐसा होता है रोड टेस्ट में, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, वो ड्राइव में डाली नहीं गाड़ी, तो घुमा के लगा दी, इंस्ट्रक्टर ने बोला कि ये ऐसे लगा देते हैं, ईजिली निकल जाएगी, तो वो स्टूडेंट खुश हो गया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया आइडिया ये तो। लेकिन हुआ क्या, गाड़ी को रिवर्स में डाल दिया तो पीछे गाड़ी थी उसके बीच में जाके लगी, ठीक है, तो ये भी सीधा आपका ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा। तो इसके आपने ये करना है, आप गाड़ी में बैठे हो, टाइम लो अपना, ठीक है, अपना टाइम लो, मेक श्योर करो अगर आपने फॉरवर्ड जाना है तो गाड़ी आप ड्राइव में डाल रहे हो, ठीक है, ड्राइव में डाली तब आप फॉरवर्ड जा सकते हो। तो ये था हमारा टिप नंबर टू। तो चलो देखते हैं अभी टिप नंबर थ्री क्या है।
अब बात करते हैं टिप नंबर थ्री की। टिप नंबर थ्री ये है कि आप जो भी गाड़ी लेकर जा रहे हो तो मेक श्योर यू हैव ड्रिवन दैट कार एटलीस्ट वंस बिफोर यू टेक इट ऑन योर ड्राइविंग टेस्ट। ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट से पहले जो भी गाड़ी आप ड्राइविंग टेस्ट के ऊपर लेकर जा रहे हो एटलीस्ट उसको एक बार जरूर चलाओ अपने रोड टेस्ट से पहले। क्योंकि ऐसा होता है कि जो देखिए गाड़ी का जो गैस पैडल होता है, ब्रेक पैडल होता है ना, वो हर गाड़ी का थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। कुछ बार ऐसा होता है कि आप नई गाड़ी लेकर चले जाते हो, मान लो कि आपने लेसन ले लिए ड्राइविंग स्कूल ABC से और रोड टेस्ट के टाइम वो अवेलेबल नहीं थे, वो दूसरी गाड़ी उन्होंने सेंड कर दी और आपने स्कूल अपना चेंज कर लिया, आप ABC स्कूल से मूव होके आप XYZ में चले गए, गाड़ी उनके पास डिफरेंट है। तो उसमें अगर आप बिल्कुल भी गाड़ी को आपने पहले नहीं चलाया हुआ तो आपको मालूम नहीं कि वो उसके जो पैडल है वो कितने सेंसिटिव है। मैं ये बात कर रहा हूँ न्यू ड्राइवर्स के लिए। एक्सपीरियंस ड्राइवर्स के लिए भी कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है क्रिएट, लेकिन वो उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन न्यू ड्राइवर्स के लिए देखिए कैसा ऐसा होता है कि वो अगर आप ऐसे जोर से पैर दबाओगे ना, मान लो जो पहले गाड़ी थी वो थोड़ी आपको वहाँ पे पैडल थोड़ा वो जोर से दबाना पड़ रहा था, लेकिन अभी ये गाड़ी के पैडल बिल्कुल सेंसिटिव है, तो उसमें क्या होता है वो कोलिजन होने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कोई भी गाड़ी लेकर जा रहे हो तो एटलीस्ट उसको ड्राइव करो, 5 मिनट ड्राइव करो, 10 मिनट ड्राइव करो, रोड टेस्ट से पहले उसको ड्राइव जरूर करो ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि आपने उसको कैसे हैंडल करना है, जो गैस ब्रेक पैडल है वो कितने सेंसिटिव है। तो जब आप अपना रोड टेस्ट शुरू करोगे ना, स्टार्ट करोगे, तो उसी टाइम आप उसको बढ़िया ढंग से स्टार्ट कर सकते हो। एग्जामिनर भी बहुत खुश होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे गाड़ी चलाओगे ना, ऐसे जोर से पेट्रोल को दबाओगे तो एग्जामिनर उसी टाइम पे नर्वस हो जाएगा, वो क्योंकि उसको नहीं मालूम कि आपकी ड्राइविंग कैसी है। ठीक है, तो लेकिन आप जब बढ़िया ढंग से उसको प्रॉपर ढंग से पार्किंग लॉट से स्टार्ट करते हो ना, तो एग्जामिनर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तो उसको मालूम पड़ जाता है पार्किंग लॉट से कि ये स्टूडेंट को गाड़ी चलानी आती है। ठीक है ना, तो यही इम्प्रेशन हमें एग्जामिनर को देना है कि हमें गाड़ी चलानी आती है, कॉन्फिडेंट हो आप पूरा, आप अकेले गाड़ी चला सकते हो, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू गाइस अगेन।